हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्वीट ओट्स की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, ये साथ ही साथ बहुत ही हेल्दी भी होता है। ओट्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक पतीली, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक कप ओट्स, और इसके बाद इसमें जाएगा एक कप पानी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो कप दूध, यहाँ पर मैंने ये दो कप दूध लिया है, आधा लीटर है ये। एक कप ओट्स के लिए तीन कप इसमें लिक्विड जाता है, आप चाहे तो तीन कप दूध भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप दो कप पानी एक कप दूध ऐड कर सकते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे हमें पकाना है मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये थिक नहीं होने लगता। ओट्स को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसमें उबाल आ गया है और अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये 4 से 5 मिनट में कुक हो जाते हैं, इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये बहुत ही जल्दी थिक भी हो जाते हैं। तो आप इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लें 4 से 5 मिनट के लिए। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं, आप इसे बच्चों को दे सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएं। ये देखिए, अभी इसे पकाते हुए मुझे 2 मिनट हुआ है। तो ये देखिए, टोटल 5 मिनट हो गया ओट्स को पकाते हुए। आप देख सकते हैं कि काफ़ी थिक हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है वरना ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा ठंडा होकर। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर, यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी ऐड किया है। अगर आप इसमें शुगर ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, या फिर सर्व करते टाइम आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप शुगर ऐड करना नहीं चाहते हैं। तो इसे फिर से हम 1 मिनट के लिए और पका लेंगे चीनी डालने के बाद, जिससे कि चीनी जो है डिज़ोल्व हो जाए और अच्छे से कुक भी हो जाए। तो 1 मिनट के लिए आप इसे फिर से पका ले चलाते हुए बीच बीच में। और मैंने ये ओट्स ऑनलाइन लिया था, और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो 1 मिनट हो गया इसे पकाते हुए, और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं थोड़े से अखरोट कटे हुए, थोड़े से काजू, थोड़े से कटे हुए बादाम, और यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़े से चिरौंजी, और ये है थोड़े से कटे हुए नारियल। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अपने पसंद का, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसे सर्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। तो थोड़ा थोड़ा मैं बचा ले रही हूँ गार्निशिंग के लिए। इन सबको ऐड करके हम मिक्स कर देंगे। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, ओट्स जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप शुगर ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे बच्चों को सर्व कर रहे हैं तो इसमें कोई भी फ्रूट्स, बनाना या फिर एप्पल कट करके भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो आप भी इस हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।